हेलो गाइस, सो वेलकम टू द आशाला स्टूडियो। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो गाइस, ऐसा हमने कहा था कि डेमो क्लास लेकर आएंगे CUET के बारे में। तो टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट डेमो ऑफ CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब हमारा ना एक वीडियो है, यहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा, इसका लिंक यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। वो डिटेल वीडियो है, CUET क्या है इसके बारे में वो वीडियो बनाई गई थी, तो आप एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं ब्रीफ में, एक ब्रीफ शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि CUET क्या है एंड उसके बारे में दो चार और पहलू, बट डिटेल वीडियो का लिंक है आपके पास, तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। ओके, तो CUET का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो गाइस, CUET के बारे में जो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, CBT टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। MCQs जो इसका फॉर्मेट होता है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। इस एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है गाइस, वो ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें, MCQs जिसे हम कहते हैं। एंड हर 5 सही आंसर पे प्लस 5 एंड माइनस 1 की स्कीम चलती है, मार्किंग स्कीम। अगर आपको CUET का एग्जाम देना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्लास 12 पास होती है। इससे मतलब नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज आया है, क्या 12 पास होना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, तो गाइस पैटर्न्स की बात करें अगर, तो आपका एग्जाम 3 स्लॉट्स में होगा एंड उसके एग्जाम का पैटर्न है सेक्शन 1AB, यानी एक जो सेक्शन है उसको 1A 1B में डिवाइडेड किया गया है। वो सेक्शन बेसिकली आपके लैंग्वेज का होता है, यानी सेक्शन 1A में आपके 13 लैंग्वेजेस होते हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस होते हैं, यानी टोटल आपका जो ये लैंग्वेजेस है 33, उसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कुछ भी, ठीक। सेक्शन 2 डोमेन, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है ना, या फिर आर्ट कॉलेज में, तो वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसे डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। उस सब्जेक्ट का एक जो प्रिपरेशन हुआ वो सेक्शन 2 में आपका आता है। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब आते हैं, करंट अफेयर्स एंड ऑल। ओके, ठीक है गाइस। आपका लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बुक्स, अदर्स, इस तरीके से पूछा जाता है। डोमेन के लिए आपको NCERT क्लास 12 तक पढ़नी पड़ेगी। ओके गाइस, ये था ओवरऑल समरी। एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है कि CUET एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हर एक कॉलेज का अपना खुद का रिस्पेक्टिव इन द सेंस खुद का ही मॉड्यूल होता होगा। एक एग्जाम्पल के लिए DU CUET का जब एग्जाम कराता है तो वो कहता है हमें एक लैंग्वेज चाहिए, लेकिन वो लैंग्वेज इंग्लिश होनी ही होनी चाहिए, यानी इंग्लिश यहाँ पे आपको कंपलसरी कर दिया, आप कोई और लैंग्वेज नहीं ले सकते, इंग्लिश लेना ही लेना है। नेक्स्ट, जैसे अगर आप साइंस में अपीयर कर रहे हो राइट, तो आपको एक सब्जेक्ट डोमेन का लेना है, यहाँ पे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना ही चाहिए। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट BHU में, लेकिन आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को ऑप्शनल कर दिया, मतलब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दे या ना दे आपकी चॉइस है, दे दे तो दो भी ठीक है, नहीं दे दे तो भी ठीक है। तो बेसिकली उसको यहाँ पर इन्होंने जो है मान्यता नहीं दी है। एक लैंग्वेज जो सेक्शन 1 में लैंग्वेज आती है, कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, इससे कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश ही लेना है राइट। जो डोमेन वाला है सेक्शन 2, वहां पर BHU ने ये बोला कि आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ्स लेते हैं या कंप्यूटर बायोलॉजी लेते हैं तो भी चलेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी का CUET कराने का अपना खुद का पैटर्न मॉड्यूल होता है। ये चीज आपको क्लियर है आई होप। अब बात करते हैं एग्जाम हमारा कब है। 2024 की डेज अभी से डिक्लेयर हो चुकी है गाइस। 9th फेब से 30th मार्च आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। करेक्शन के लिए 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक आपकी डेट्स आ जाएंगी। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 3 दिन पहले ही आ रहा है, ये थोड़ा सा और टाइम पहले ये दे सकते हैं, ताकि अगर बच्चा ट्रैवल कर रहा है या कहीं पे भी कुछ है बात है ना, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो ये थोड़ा सा टाइमिंग इनका मेरे ख्याल से एटलीस्ट वीक बिफोर करना चाहिए। यहाँ पर 3 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम की डेट्स प्लीज नोट डाउन दिस, 21st मई टू 31st मई आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। ओके गाइस, तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर कैसे करें। अभी चल रहा है अक्टूबर, जो कि ऑलमोस्ट अब 10-12 दिन में एंड हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने आपके हैं बचे हुए। आई नो एम्पल ऑफ टाइम है, बट यू हैव नेवर सीन टुमारो, सो कल क्या हो पता नहीं है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखो, ठीक है, अभी से कंटिन्यू रखोगे, कभी पढ़ो थोड़ा 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 करके, तो इजी गोइंग में आपका सिलेबस काफी सारा कवर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपका करंट अफेयर्स आप शुरू कर दो अभी से। प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, या तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, फ्रॉम वेयर
YouTube से पढ़ लो, बहुत सारी वीडियोस आजकल काफी सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे। हम भी आपको अब COD की प्रिपरेशन कराएंगे। हमारा एक बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दूसरा बैच चलेगा, ठीक है गाइस। कुछ YouTube पे वीडियोस में डालूंगी, हर एक सब्जेक्ट की डेमो क्लास डालूंगी। जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश की मैं डेमो क्लास दूंगी, फिर रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गई, मेंटल एबिलिटी हो गई, इन सब की मैं आपको YouTube पे वीडियोस के प्लेलिस्ट बनाकर डालूंगी। इसमें आप डेमो क्लास देखना, एक दो और क्लास दूंगी, जिसको भी अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का ढंग, या आपको लगे कि मेरा बेस क्लियर हो रहा है, तो आप अपने एडमिशन एनरोल कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस, कोई फोर्सफुल नहीं है। अगर आपको बस कंसेप्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का ढंग मेरा अच्छा लगे, तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था ओवरऑल एक ब्रीफ मैंने आपको कर दिया सीवीटी के बारे में। डिटेल वीडियो आपको मैंने बताया, प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं जाकर व्हाट इज सीवीटी को डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया है। अब क्या करेंगे, ये ब्रीफ देने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज डेमो क्लास होगी, राइट, तो हमने चूज किया है सब्जेक्ट रीजनिंग। हम रीजनिंग से शुरू करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी को भी अगर हमारा CUET का बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अभी हम यहाँ YouTube में जो बेसिक बेसिक क्लासेस है ना, हर टॉपिक का इंट्रोडक्टरी, वैसे ही क्लासेस देंगे, वैसे ही अपलोड करेंगे वीडियोस। अगर डिटेल में जिसको भी प्रिपरेशन करनी है CUET की, तो वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है, एंड उसके लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डीकोडिंग, तो गाइस एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अपनी ही भाषा में बात करते हैं, अगले को नहीं पता, लेकिन सुन सुन के अगला जो है इतनी प्रैक्टिस में आ जाता है कि उसे समझ में आने लग जाता है। आप कोई अननोन चीज से नो चीज पर जाना, या फिर कोई चीज नहीं समझ आ रही है, बट उसके उसको सुन सुन के हम समझने लग जाते हैं कि अगला क्या बात कर रहा है, कौन सी भाषा में बात कर रहा है। तो हमने न समझी हुई लैंग्वेज को कोड कह दिया। जो भी चीज हमें नहीं आती है, कंप्यूटर के कोड्स हो गए या और भी कोई कोडिंग हमें नहीं आती है, तो हमने क्या बोला, हाँ अभी कोड है, लेकिन जैसे ही हम उसे क्रैक कर लेते हैं या समझने लग जाते हैं, उसी चीज को हम कह देते हैं डीकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग और डीकोडिंग का बेसिक सा मतलब अगर आपको समझना है, तो आप सिंपल से समझिए, कोई भी ऐसा इनपुट या कोई भी ऐसी लैंग्वेज या कोई भी ऐसे सिंबल्स जिसका मतलब हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, वो हो जाता है कोड। उसी कोड को क्रैक करना ताकि वो हमें अब समझ में आने लगे, उसे कहते हैं डीकोड करना। ठीक है, तो ये बेसिक सा मतलब था कोडिंग डीकोडिंग का, इसे हम डिटेल में जानेंगे।